हेलो डियर फॉलोअर्स, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करते हैं सेंटेंस पार्ट 7। इस वीडियो में हम फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस के प्रकार डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। देर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस विच आर एज फॉलोइंग। निम्नलिखित 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। नंबर 1 असर्टिव, नंबर 2 इंटेरोगेटिव, नंबर 3 इंपेरेटिव, नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी, नंबर 5 ऑप्टेटिव। असर्टिव सेंटेंस को हम हिंदी में लिखकर देखते हैं। असर्टिव होता क्या है? असर्टिव सेंटेंस होता है विधि सूचक। विधि सूचक नेक्स्ट देखिए इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या होता है? प्रश्न वाचक। थर्ड देखिए इंपेरेटिव। इंपेरेटिव क्या होता है? आदेशात्मक। आदेशात्मक नेक्स्ट देखिए एक्सक्लेमेटरी। यह क्या होता है? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक सबसे लास्ट में देखिए ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव क्या होता है? इच्छार्थक। आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं असर्टिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में विधि सूचक कहते हैं। इसके रूल्स देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले कर्ता, उसके बाद क्रिया और लास्ट में कर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट इत्यादि भी लग सकता है जहां डॉट डॉट दिया है। तो सबसे पहले हम इसको इंग्लिश में डिफाइन करेंगे। तो आइए देखते हैं। Assertive sentence denotes simple statement, means it denotes simple statement. साधारण कथन प्रकट करता है यह वाक्य। Assertive sentence may be affirmative or negative. Assertive sentence affirmative या negative हो सकता है। Affirmative means simple और negative means नकारात्मक। For example, eg का meaning क्या है? Exemplify Gracia, इसका फुल फॉर्म है, मींस उदाहरण। तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। यह अफर्मेटिव सेंटेंस है, मींस सिंपल वाक्य है, साधारण वाक्य है। अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सबसे पहले देखिए, यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सच्चाई है। सेकंड थिंग, अगर सार्वभौमिक सच्चाई यूनिवर्सल ट्रूथ दी हो तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अर्थ यहाँ पे क्या है? नाउन, संज्ञा। इसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हमने
सिंपल या अफर्मेटिव वाक्य की पहचान कर ली है। इसके बाद सेकंड एग्जांपल देखिए, ही डज नॉट स्पीक टू एनीबडी। यह कौन सा वाक्य है? नेगेटिव, नकारात्मक। वह किसी से बात नहीं करता। ऊपर वाले वाक्य में आपको क्या दिखाई दिया था? सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगी थी जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थी। यहाँ नेगेटिव वाक्य है, यहाँ बहुवचन के साथ मींस प्लूरल के साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाता है और एकवचन के साथ सिंगुलर के साथ डज नॉट का प्रयोग किया जाता है और उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म यूज की जाती है। तो यहाँ देखिए, ही डज नॉट स्पीक टू एनीबडी, यह नेगेटिव सेंटेंस है। इससे नेक्स्ट देखिए, द मॉस्क्वीटोज बाइट अस मर्सीलेसली। यह भी अफर्मेटिव वाक्य है लेकिन यहाँ पे अस के बाद, ऑब्जेक्ट के बाद मर्सीलेसली यूज हुआ है। यहाँ कॉम्प्लीमेंट है, मच्छर हमें बेरहमी से काटते हैं। यह इसका हिंदी में अनुवाद है। नेक्स्ट देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें देखिए, सब्जेक्ट से पहले वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद दूसरे एलिमेंट्स कनेक्ट होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखेंगे, सबसे पहले एग्जाम्पल देखने से पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। इट सर्व्स टू आस्क क्वेश्चंस, यह वाक्य प्रश्न पूछने का कार्य करता है। उदाहरण के तौर पे, इज ही अ टीचर, क्या वह एक अध्यापक है? लास्ट में क्या लगता है? यहाँ साइन ऑफ इंटेरोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह। सेकंड वाक्य देखिए, डू यू गो आउट फॉर अ वॉक एवरी डे, क्या तुम प्रतिदिन सैर के लिए बाहर निकलते हो? थर्ड देखिए, विल यू हेल्प मी इन दिस मैटर, क्या तुम मेरी इस विषय में मदद करोगे? तो यहाँ मी ऑब्जेक्ट है, मी के बाद बाकी का कॉम्प्लीमेंट जुड़ा हुआ है। तो यह कौन सा वाक्य था? इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक। इससे नेक्स्ट देखिए, इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव वाक्य कौन सा होता है? यह होता है आदेशात्मक। इम्पेरेटिव वाक्य में सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या डू नॉट का प्रयोग, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस में दूसरे एलिमेंट्स लगेंगे। तो देखिए, इसको डिफाइन कर लेते हैं। इट मेक्स सेंस ऑफ ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट। यह वाक्य आदेश, ऑर्डर क्या है? आदेश। एडवाइस क्या है? शिक्षा। रिक्वेस्ट क्या है? प्रार्थना इत्यादि का बोध करवाता है। उदाहरण के तौर पे हम अलग अलग देखेंगे कौन सा ऑर्डर है, कौन सी एडवाइस है, कहाँ पर रिक्वेस्ट लगा है, कहाँ प्रोविजन है। अलग अलग एलिमेंट्स को हम अलग अलग वाक्य में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं इम्पेरेटिव वाक्य में क्या होता है। जैसे कि स्टैंड अप ऑन द बेंच, बेंच पर खड़े हो जाओ, यह कौन सा वाक्य है? ऑर्डर वाला वाक्य है, मींस यहाँ आदेश दिया गया है। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यहाँ शिक्षा दी गई है, सदैव सत्य बोलो, हमेशा सच बोलो। थर्ड में देखिए, प्लीज डू मी अ फेवर, यहाँ प्रार्थना दी गई है, कृपया मेरा पक्ष लीजिए। फोर्थ में देखिए, डू नॉट मेक अ नॉइस, यहाँ प्रोविजन है, मनाई है, शोर मत करो। तो यह कौन सा वाक्य था? आदेशात्मक। इससे नेक्स्ट देखिए, एक्सक्लेमेटरी, यह विस्मय आदिबोधक है। देखिए, इट प्रेजेंट्स अ जेस्चर ऑफ अमेजमेंट, फॉर एग्जांपल
हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, यह जॉय एक्सप्रेस करता है। अलास आई हैव फेल्ड, यह सोरो प्रकट करता है। हाउ फैट ही इज, यह सरप्राइज प्रकट करता है। एक्सक्लेमेटरी वाक्य में क्या होता है, देखिए जिस वाक्य में विस्मय के भाव प्रकट हो उसे एक्सक्लेमेटरी या विस्मयादिक बोधक वाला वाक्य कहते हैं। जैसे इस वाक्य में खुशी, दुख, हैरानगी इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। इस तरह के वाक्य आपके लिए हेल्पफुल होंगे नरेशन को सोल्व करने में। हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, यह जॉय को प्रकट करता है। हुर्रा हम मैच जीत गए हैं। एलास दुख को प्रकट करता है, ओह मैं फेल हो गया हूँ। हाउ फैट हीज, वह कितना मोटा है, यह हैरानगी को आश्चर्य को प्रकट करता है। लास्ट वाक्य देखिए, ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस, यह इसमें देखिए इट शोज द जेस्चर्स ऑफ विश और ब्लेसिंग्स। फॉर एग्जांपल मे यू लिव लॉन्ग, सेकंड वाक्य देखिए वुड दैट आई वर रिच, वुड दैट आई वर रिच। ऑपरेटिव वाक्य को हिंदी में हम इच्छार्थक कहते हैं। तो ऐसे वाक्य में क्या होता है, जिस वाक्य से इच्छा या आशीर्वाद के भाव का बोध हो उसे हम इच्छात्मक या इच्छार्थक सेंटेंस कहते हैं, इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, चिरंजीव हो, आपकी आयु लंबी हो। वुड दैट आई वर रिच, काश मैं धनी होता। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, डियर फॉलोअर्स, हमने फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेज को डिस्कस किया है। बाइलिंगुअल मेथड से हमने इसको स्टडी किया है। तो इसी तरह से हम अपने बेसिक ग्रामर को आगे बढ़ाते चलेंगे। टेंसेज जल्दी ही आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। आई होप यू विल एंजॉय दिस स्टडी। थैंक्स टू ऑल।